नमस्ते संदीप के सवाल में आप सबका स्वागत है। प्रोफेसर संदीप पांडे इस समय लखनऊ से बाहर हैं और एक अपने असाइनमेंट पे हैं, टीचिंग असाइनमेंट पे कहीं पढ़ाने गए हैं। आप बता सकते हैं कि मैं अहमदाबाद में पढ़ाने आया हूँ। मुझे लगता है कि मालूम नहीं भाई, ये आए अहमदाबाद में पढ़ाने गए हुए हैं और इस समय रात में मैंने इनसे आग्रह किया क्योंकि वो हर बृहस्पतिवार को आपका शो जाता है, तो मैंने कहा कि इसको जरा किया जाए। लेकिन अहमदाबाद में जब ये गए हैं तो वहाँ पे पढ़ाना तो एक इम्पॉर्टेंट काम था और शिक्षा तो सबसे ज्यादा हम लोगों के हिसाब से जरूरी है, लेकिन एक चीज के को और हम लोगों के कॉन्शियस को जगाने के लिए, देश में उस बात की आवाज पहुंचाने के लिए जो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट और उनके घर के परिवार के लोगों के जो मर्डरर थे 11 लोग, जिनको जिस तरह से अभी 15 अगस्त को छोड़ा गया, उसके खिलाफ एक आवाज उतारने के लिए, एक जन आंदोलन बनाने के लिए संदीप पांडे साहब 26 तारीख से एक पदयात्रा कर रहे हैं। उसकी डिटेल्स वही थोड़ा बताएंगे और उसका क्यों कर रहे हैं, उसका क्या पर्पस है। प्रोफेसर संदीप पांडे, ये 26 तारीख से जो आपकी प्रपोज यात्रा है उसके जरा डिटेल्स बताइए। जी आनंद जी, पहले तो हम लोग इस विषय पे हालांकि पहले बात कर चुके हैं, पर गुजरात आने के बाद का भी अनुभव मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं, आपके दर्शकों के साथ। तो कल और आज मैं उस इलाके में था जो बिल्किस बानो का गांव है। गांव का नाम है रंधीकपुर। ये गोधरा और दाहोद रेलवे स्टेशनों के बीच में और मुख्य मार्ग से कुछ 15 किलोमीटर अंदर है, इंदौर अहमदाबाद मार्ग हाईवे से। तो ये बहुत खूबसूरत इलाका है अरावली की पहाड़ियों का, और यहाँ पे हरियाली है, इतना सुंदर यहाँ का वातावरण है प्राकृतिक कि ये समझ में नहीं आता कि इतनी वहशी घटना, इतनी जघन्य घटना यहाँ पे कैसे घटी। क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि गोधरा कांड हुआ एक, और उस कांड के बाद गुजरात 3 दिन तक सांप्रदायिक हिंसा में जलता रहा। आज हम उसके अन्य पहलुओं पे नहीं जाएंगे, लेकिन शहर में दंगा हुआ अहमदाबाद में ये तो समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रेलगाड़ी में मारे गए थे, 2 जब डब्बों में आग लगी तो उनके शवों को अहमदाबाद लाया गया था, अहमदाबाद में हिंसा की घटना हुई समझा जा सकता है, क्योंकि लोगों में लोग निश्चित रूप से आक्रोशित हुए होंगे। और वडोदरा में भी घटनाएं हुई, लेकिन सुदूर दाहोद जिले के एक रंधीकपुर गांव में ये घटना क्यों हुई, एक आदिवासी बहुल इलाका है, छोटा सा कस्बा है, और बिल्किस बानो का परिवार वहां रहता है, और उसी चौराहे के दूसरी तरफ कुछ आरोपी हैं, उसमें से 11 लोग बरी हुए हैं। और ये एक जब ये परिवार वहां से भाग रहा था, ऐसा बताया जाता है कि रंधीकपुर से पिपलोद आने वाली जो सड़क है मुख्य मार्ग की तरफ, वो उस सड़क पे पेड़ों को काट के गिरा दिया गया था ताकि वहां से मुसलमान भाग न सके, और जब वो वहां पहाड़ियों से भागने की कोशिश कर रहे थे तो बिल्किस बानो जो उस समय गर्भवती थी, 5-6 महीने का बच्चा उनके पेट में था, उनके साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, उनकी 3 साल की बेटी मारी गई, पेट में जो बच्चा था वो भी मारा गया, और निकाल के यानी कि, और जो उनके उनकी बहन और उनकी माँ थी उनका भी सामूहिक बलात्कार हुआ। इतनी जघन्य घटना कि जो कोर्ट की भाषा में जिसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा जाता है, हम सबको याद है कि किस तरह से निर्भया के मामले में फांसी की सजा हुई। हालांकि मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मैं उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में हूँ जो फांसी की सजा को नहीं मानते हैं, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए।
हम अगर इंसान के जीवन का निर्माण नहीं कर सकते तो उसकी जान ले भी नहीं सकते, ऐसा हमारा मानना है। तो लेकिन फिर भी सिर्फ तुलना करने के लिए, उससे कम जघन्य घटना ये नहीं थी, लेकिन गुजरात की सरकार ने छोड़ दिया है इस पे। कल मैं अधिवक्ता नरेंद्र परमार से बात कर रहा था गोधरा में, उन्होंने भी इस घटना के तुरंत बाद एक बयान दिया है और उन्होंने ये सवाल खड़ा किया था गोधरा के अंदर कि जो एक 5 लोगों की समिति थी जिसमें जिलाधिकारी भी है और भारतीय जनता पार्टी के शायद 2 लोग हैं, अभी ठीक से ये बताया भी नहीं जा रहा है। हमारे एक साथी रजाक मंसूरी जो पत्रकार भी हैं और बिल्किस बानो की कानूनी लड़ाई में मदद भी कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने सूचना के अधिकार में एक आवेदन दिया हुआ है कि उस कमेटी ने जो 11 लोगों को छोड़ने का निर्णय लिया, उनकी सजा माफ करने का निर्णय लिया, तो उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, लेकिन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत वो रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। अगर आपका फैसला सही है, जिस समिति ने फैसला लिया है अगर वो मानती है कि सही है, तो आप उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? और अधिवक्ता नरेंद्र परमार ने यह भी सवाल उठाया है कि बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं, गोधरा की जेल में बहुत सारे लोग बंद हैं जिन्होंने अपने आवेदन दिए हुए हैं कि उनकी सजा को माफ किया जाए, कम किया जाए। किसी एक की सजा को कम नहीं किया गया, माफ नहीं किया गया, और 11 में से एक आदमी का आवेदन वो भी न्यायालय में जाता है, इस समिति के पास नहीं आया था, वो आवेदन न्यायालय में गया था सजा माफ करने का। और एक आदमी के आवेदन पे, आनंद जी आपने ये कभी सुना नहीं होगा, एक आदमी के आवेदन पे 11 लोगों की सजा माफ हो जाती है। तो ये कैसे हुआ, क्यों किया गया, इसकी जब जानकारी मांगी जा रही है जिला प्रशासन गोधरा से, तो वो देने को तैयार नहीं है। तो इस घटना को लेके गोधरा में भी बहुत लोग असंतुष्ट हैं, आक्रोश है लोगों में कि इन लोगों को सिर्फ इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नजदीक लोग हैं, यानी कि राजनीतिक कारणों से छोड़ा गया है। इनका अपराध जघन्य था, लेकिन इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ महिला नेत्रियों ने भी इस फैसले का विरोध किया है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की तरफ से कोई भी ऐसा वक्तव्य जारी नहीं किया गया है कि ये गलत हुआ है, यानी कि मौन सहमति है इसकी, इसको पूरे संगठन की, उनके और सरकार की। नरेंद्र मोदी जो अपने मन की बात कहने के लिए मतलब वो एक खलक से खास कार्यक्रम करते हैं, वो एक तरफा बात करते हैं, मतलब मैं बोलूं आप सुनिए, केवल वो एक तरफा। तो आज तक उन्होंने भी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। बहुत कुछ घट रहा है दुनिया में, मतलब उनको चीतों की ज्यादा चिंता है, लेकिन उनको एक इंसान और उसके साथ जो गुजर रहा है उसकी चिंता नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि ये जो हुआ है इससे बिल्किस बानो के लिए पुनः खतरा खड़ा हो गया है। संदीप भाई, इस मामले में एक गवाह है, मैं कल एक गवाह से मिला हूं, उसका नाम इम्तियाज है, उसको न्यायालय में धमकी दी गई है। संदीप भाई, मैं उनके गवाहों के पास आने से पहले, क्या आप बिल्किस बानो से वहां मिल पाए, क्योंकि जिसके लिए सब हो रहा है सुन रहे हैं उनके ऊपर भी खतरा है, तो आप उनसे मिल पाए क्या? जी, मैं उनसे मिला जरूर हूं, लेकिन ये जो लोग उनकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने ये तय किया है कि वो कहाँ पे हैं, इसको अभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, और न ही ये जो फैसला हुआ है 11 लोगों को छोड़ने का, उसके बाद उन्होंने किसी भी मीडिया से बात नहीं की है। तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए, और चूंकि ये मामला अब फिर से सर्वोच्च न्यायालय के सामने चला गया है,
तो इसलिए वो ना तो कुछ बोल रही हैं, ना किसी मीडिया वाले से उनकी बात हो रही है और ना ही किसी से उनकी मुलाकात भी हो रही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस महिला के साथ इतना कुछ हुआ हो और उसके बाद एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये आता है कि उनको 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए, और आपको ये बता दें कि आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं दी गई है, मतलब अनुकंपा के आधार पे अगर व्यक्ति की योग्यता ना भी हो तो भी उसे चतुर्थ श्रेणी का काम तो मिल ही जाता है सरकार में, लेकिन आज तक बिल्किस बानो को कोई काम नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से जो कोर्ट का आदेश था, और उल्टे उनके उनके साथ जिन लोगों ने अपराध किया उनको छोड़ दिया गया है, तो जो उनकी मानसिक स्थिति है आप समझ सकते हैं, और इसलिए भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं आ रही हैं। मुझे तो एक IIM बेंगलोर के प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, जिनको आप जानते हैं, वो तो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बाहर आएं और फिर उनको IIM बेंगलोर में बुलाया जाए और उनके साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की जाए, लेकिन वो अभी कहीं जा नहीं रही। जी संदीप भाई, एक चीज और देखिए, ऐसा है कि बहुत जघन्य है, और जो सुन रहा है, मतलब जो भी, अब हम सब लोगों ने, किसी ने बिल्किस बानो को नहीं देखा है, लेकिन हर एक को लग रहा है, मैं आपको बता दूं, गिल्ट लग रहा है, एक गिल्टी कॉन्शियस लग रहा है कि हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच में एक किसी महिला के साथ हो जा रहा है और हम बेबस होकर देख रहे हैं ये। संदीप साहब, ये बताइए, चुनाव अगले 2 महीने में होने वाले हैं गुजरात में, आपको लगता है चुनावी मुद्दा बन पाएगा? असल में कई लोगों का कहना है कि ये जो फैसला हुआ है ये चुनाव को देखते हुए ही किया गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से गुजरात के चुनावी दंगल में कूद पड़ी है, और उसने ऐसे मुद्दे उठा दिए हैं जो मोदी सरकार पे भारी पड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं आनंद जी, मैं खुद गाड़ी चला के गया हूँ कल और आज लौटा हूँ, करीब 200 किलोमीटर दूर, और ये गुजरात मॉडल की कहानी आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जितनी बढ़िया सड़कें हैं, गुजरात में मुझे कोई भी पैच ऐसा नहीं मिला 50 किलोमीटर का जिसपे कि मैं तेज रफ्तार से गाड़ी चला दूं। इतने ज्यादा गड्ढे और उबड़ खाबड़ हाईवे हो गए हैं कि आप उसमें ठीक से गाड़ी नहीं चला सकते। कल मैंने जिस गाड़ी को मैं ले गया था अपनी दोस्त की मांग के, उस पे वो टैग लगाया जो फास्ट टैग होता है, और उत्तर प्रदेश में मुझे आज तक कभी दिक्कत नहीं आई, लेकिन आपको बता दूं एक टोल बूथ पे दोनों बार आते जाते वो उनकी मशीन ही नहीं काम कर रही थी, गाड़ी को पीछे करना पड़ा, पीछे की गाड़ियां हटाई गई, फिर गाड़ी पीछे हुई, फिर दूसरी लेन में आई, फिर भी उनका काम नहीं कर रहा था। तो ये है गुजरात मॉडल। और एक आश्चर्यजनक बात बता दूं जो मैंने 2018 में भी देखा, आपने देखा होगा कि वाहनों में लोग ठूस ठूस के भर के यात्रा करते हैं, गुजरात के अंदर मैंने वो दृश्य देखा कल जो मैंने उत्तर प्रदेश में कभी नहीं देखा है। आदमियों को तो हमने देखा है गाड़ियों पे ऐसे लटके हुए पीछे, मतलब वो जीप चली जा रही है खुली वाली और उसके दोनों दरवाजे खुले हैं और पीछे से महिलाएं लटकी हुई हैं, वो जो जिसको हम लोग वो पिकअप वैन कहते हैं, उसमें महिलाएं चलती गाड़ी में कई महिलाएं लटकी हुई हैं, और तो और अंदरूनी इलाकों में स्कूल बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहन, कल मैंने ये देखा वहाँ बारिया देवगढ़ नाम का एक गांव है जो एक रियासत हुआ करती थी एक जमाने में, वहां पे मैंने देखा कि जीप में बच्चे भी उसी तरह से लदे हुए कि आधे उसमें से बाहर निकल रहे हैं। और 2018 में तो मैंने एक ऐसे दृश्य देखा था जिसकी कभी मैं कल्पना करता हूं तो मैं सिहर जाता हूं कि जीप के अंदर अगल बगल तो बच्चे दिखाई पड़ रहे थे, ड्राइवर के सामने, ड्राइवर की सीट के सामने की जगह को छोड़ के, ड्राइवर के जो बगल वाली सीट है उसके सामने भी बोनट पे बच्चे बैठे हुए थे, मतलब अगर ड्राइवर ब्रेक मारे तो बच्चे जीप के आगे जो है गिरे। तो ये मैंने गुजरात में देखा है और मुझे समझ में नहीं आता
कि इस गुजरात मॉडल के बल पे इन्होंने पूरे भारत को भ्रमित किया और गुजरात के विकास के मॉडल पे वोट लिए, लेकिन गुजरात के अंदर की सड़कों की हालत और वाहनों पे जिस तरह से महिलाएं और बच्चे, आदमियों को तो मैंने देखा है उत्तर प्रदेश बिहार में जीप में ठूस ठूस के भरते हुए, और महिलाएं रहती हैं तो महिलाओं को अंदर कर दिया जाता है। लेकिन उस गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महिला का सम्मान होना चाहिए, पूरी महिलाएं अगल बगल पीछे जीप पे ऐसे लटकी हुई और जीप तेज रफ्तार से जा रही है, और मैं सोच रहा था कि उसमें से एक भी महिला का हाथ अगर छूट गया तो फिर वो गिरेगी तो उसका क्या हो। ये गुजरात है, ये मैं कल और आज की घटना बता रहा। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को, मैं बीच में 26 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है 11 बजे सुबह, अगर मैं गलत नहीं हूँ संदीप भाई सर, तो हम लोग 25 तारीख को गोधरा पहुंचेंगे। गोधरा में एक प्रेस वार्ता है, पूरे गुजरात भर से ही नहीं लोग आ रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान से कर्नाटक तक से लोग आ रहे हैं इसमें चलने के लिए, और गोधरा में प्रेस वार्ता है दिन में होगी किसी समय, और उसके बाद हम सब लोग रंधिकपुर पहुंचेंगे और 9 बजे सुबह रंधिकपुर के गुरु गोविंद चौक, जिसके एक तरफ बिल्किस बानो का घर है, दूसरी तरफ आरोपियों का घर है। आरोपी क्या मतलब, वो तो अब सजा याफ्ता है, लोग हैं माफ कर दिए गए उनकी सजा, लेकिन वो जिनको सजा मिली है वो उनके घर भी वहीं पे हैं। उसी चौक से यात्रा शुरू होगी और फिर वो चल के एक पड़ाव रास्ते में पड़ेगा और उसके बाद फिर वो पहुंचेगी गोधरा दो दिन के बाद, यानी कि 28 तारीख को, और गोधरा में फिर कार्यक्रम होंगे, और उसके बाद गोधरा से आगे बढ़ती हुई टिम्बा रोड, ठासरा, अलीना, केसरा और हाथीजन होते हुए वो अहमदाबाद में, पहले ये तय किया गया था कि उसको साबरमती आश्रम में समाप्त किया जाएगा, पर साबरमती आश्रम की अपनी एक अलग कहानी है, उस पर भी हमको आनंद भाई किसी दिन बात करनी चाहिए। किस तरह से सरकार ने एक ट्रस्ट बना के, एक जो ट्रस्ट उसको पहले से चला रहा था, उस ट्रस्ट के कुछ ट्रस्टियों को एक दूसरे ट्रस्ट में शामिल करते हुए एक सरकारी ट्रस्ट ने उस पूरे आश्रम को अपने कब्जे में ले लिया है और अब उसको एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है, और जो उसका मूल स्वरूप था गांधी जी के समय का, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ था लेकिन ये कोशिश की गई थी कि मूल स्वरूप बना रहे, उसको पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। जहाँ पे जब CA NRC के खिलाफ देश भर में महिलाएं आंदोलन कर रही थी, तो अजीत मिल नाम की जगह पे अहमदाबाद के अंदर भी प्रदर्शन हो रहा था, सबसे ज्यादा महिलाएं वहीं पे बैठी हुई थी, तो ये तय हुआ है कि हम उस स्थान पे यात्रा को समाप्त करेंगे। और आज मेरी एहसान जाफरी साहब, जिनको 2002 में जिनका कत्ल हो गया था गुलबर्ग सोसाइटी में, अब उस सोसाइटी में तो कोई रहता नहीं है, तो हालांकि तुषार गांधी जी का ये सुझाव था कि इस यात्रा को एहसान जाफरी के घर पे समाप्त करना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार को भी आज तक न्याय नहीं मिला है जिस तरह से बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला। तो मेरी आज तनवीर जाफरी साहब से बात हुई है जो सूरत में रहते हैं, वो खुद यात्रा में चलने के लिए आ रहे हैं। जब उन्होंने, उनको इस यात्रा के बारे में पता लगा तो उन्होंने खुद ही हमसे संपर्क किया और कहा कि मैं भी आऊँगा, और मैंने आज उनसे आग्रह किया है कि हमारे समापन कार्यक्रम में वो अपनी माँ को भी लेके आए, जकिया जाफरी, जिनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तीस्ता सितलवाद को गुजरात में जेल हो गई थी, अभी उनको जमानत मिली है, तो उनको न्याय दिलवाने, उनको न्याय दिलवाने की, न्याय की लड़ाई में उनको न्यायालय ने जेल में भेज दिया। जी जी, जिनकी मदद पहले न्यायालय मांग रहा था, उस पूरे मामले को गुजरात के बाहर किया गया ताकि गुजरात में उसको प्रभावित न किया जा सके, जिनकी पहले कोर्ट मदद ले रहा था, उसी कोर्ट ने तीसरा सितलवाद को जेल भेज दिया, और पूरे घटनाक्रम को ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे तीसरा सितलवाद और जकिया जाफरी मिलके नरेंद्र मोदी को किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है, और जैसे कि गुजरात में दंगा नाम की कोई चीज ही नहीं हुई 2002 में, और 1000 के ऊपर लोग मारे नहीं गए जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे, दो तिहाई के करीब मुस्लिम थे,
और नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले से बरी कर दिया गया कि 3 दिन तक यहाँ जो हिंसा होती रही उनके नेतृत्व वाली सरकार उस पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाई। संदीप भाई, क्योंकि समय का थोड़ा वो है, मैं दर्शकों को बता दूं कि हम लोग इसको लाइव जिस दिन 9 बजे सुबह शुरू होगी 26 तारीख सोमवार को, तो हम लोग उसको लाइव कवर करेंगे और रोज कुछ ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोज का एक जिसको कहते हैं कि दिन भर कहाँ कहाँ गुजरी, कौन कौन लोग आए, कुछ बातें ऐसे, क्योंकि ये मुझे हरदम ऐसा लगता है, आज भी मैंने कहा है कि ये हम लोगों को ही बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूँ कि अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम लोगों तक ये बात पहुंचा दें। मैं संदीप भाई खत्म करने से पहले एक चीज आपसे, इसलिए कि वो अगले किसी कार्यक्रम में आप जरूर कवर करिएगा, आज मैंने एक कार्यक्रम गुजरात के लिए किया था तो उसमें अजय उमत और नचकेता देसाई और ये सब लोग आए थे, उसमें मुझे एक नई बात पता लगी कि ये जो चीता वाला मामला भी है ना, ये हमारे मोदी जी 2009 में भी चीता लाए थे जूनागढ़ में, इन्होंने यहाँ से 3 शेर भेजे थे सिंगापुर और 4 चीते लेके आए थे, 2 मादा 2 नर, और वो जूनागढ़ में उसको रखे थे और 2011 तक जब ये वहां मुख्यमंत्री थे तभी वो चारों मर गए थे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरा आप इस पे एक बार जरा जांच पड़ताल कर लीजिए, तो आप तो अभी हैं कुछ दिन, तो हम लोग इस पे भी एक एपिसोड जरूर करेंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने 2022 में कहा ना कि आज तक कुछ नहीं हुआ, अरे आप ही लाए थे 2009 में, जब एक्चुअली क्या हुआ था कि जयराम रमेश 2009 में कोशिश कर रहे थे भारत सरकार की तरफ से, ये तो वन अपमैनशिप वाली है, इनको जैसे ही पता लगा इन्होंने खटाखट खटाखट करके किया कि मैं कर दूं। अच्छा, अब वो जब मर गए हैं तो उसका रेफरेंस भी नहीं बता रहे कि मैं लाया था और मैं उसको संरक्षण उसका नहीं कर पाया। तो खैर, इसको भी जरा आप ध्यान में रखिएगा, आने वाले समय में इस पर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेंगे। और संदीप भाई आपका भाई बहुत बहुत आप सबको अभी बधाई, क्या अभी तो यही है कि आप लोग अच्छे से करें और हम लोग जी। मैं बस ये अंत करते हुए ये कहना चाहूंगा कि मैं उस महिला को मिला हूं कल, और मुझे और उसके पति को भी याकूब, और आपको ये बता दें आनंद भाई कि जब उनका मामला चल रहा था न्यायालय में तो वो करीब 2 साल हमारे और आपके शहर लखनऊ में रही हैं, उस समय भी किसी को नहीं मालूम था कि वो वहां पे हैं, तो उनसे मैं क्या कहूँ यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो तो कह रही थी कि आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप ये कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि आपके साथ जो हुआ है उसको हम कैसे कहें, क्या कहें कि वो उसकी भरपाई हो सके, वो तो हो नहीं सकती। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपके साथ हुआ है वो भारत की किसी और दुनिया की किसी महिला के साथ ना हो, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।